ओके गाइस, द मोस्ट अवेटेड वीडियो जिसमें आप हमेशा पूछते हैं कि अमेरिकन और यूरोपियन में क्या डिफरेंस है। तो ओरिजिनली जो कार्ल लुईस डोबरमैन ने जो इन्वेंट की थी बीट, दैट वाज ओरिजिनली यूरोपियन, जो कि जर्मनी से काफ़ी पॉपुलर हुआ वर्ल्ड वाइड। गार्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वॉकिंग डॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है यूरोपियन काफ़ी पॉपुलर रहा। अमेरिका जब ये ब्रीड पहुंची तो अमेरिकन्स ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए इसका टेम्परामेंट डाउन करने के लिए, इसका बिहेवियर थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए। कुछ एक्सपेरिमेंट के बाद जो है बना, तैयार हुआ अमेरिकन डोबरमैन, जो कि आप देख सकते हैं ये है। लुक एट हर स्वीटी बेबी, क्या हुआ, क्या हो गया, हाँ जस्ट शो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। कम हियर, लुक एट देम, दिस इज द बोथ आर द सेम कलर ब्राउन, बट आई विल टेल यू द मेजर डिफरेंस, क्या दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है। इधर आओ, कम हियर। सबसे पहली बात, बॉडी बिल्ट, ही इज जस्ट 9th month old, 9 महीने का बच्चा है, लेकिन उसके बाद भी इसकी बेल्ट आप देख सकते हैं, अभी ये भरेगा। आपने देखा जैपर कैसा था, अभी 9th month में जो है इसकी बेल्ट हाइट ही सही जा रही है, अभी मस्कुलैरिटी पकड़ेगा 2.5 से 3 साल के बीच, जो आपको मैंने पहले भी बताया। ये है अमेरिकन, इसका जो एंगुलेशन है, ओके जैपर लुक एट हियर, इसका जो एंगुलेशन आप देख सकते हैं, पूरा एंगुलेशन इसका बिल्कुल स्लोप में जा रहा है यूं करके। और वहीं अगर आप थोड़ा सा अमेरिकन में देखते हैं, बहुत प्यारा अमेरिकन, ये मैं सोचना अमेरिकन कम होता है, यूरोपियन अच्छा होता है। नो ओके स्वीरी गेट अप, एंगुलेशन देखो इसका भी बहुत अच्छा है, लेकिन हाइट का डिफरेंस है। और मेजर डिफरेंस क्या है दोनों के फेसेस में, आपको मैं डिफरेंस दिखाऊं। बेटा थोड़ा सा इसको आवाज़ देना सामने से, देखो इन दोनों के फेसेस देखिए आप, ये फेस दिखा फोकस करके, दोनों के फेसेस दिखाओ। नो, फेस, ये तो मेरे को देखना चाह रही है दोनों। चलो नीचे बैठ जाता हूँ मैं तुम्हारे साथ, ये देखो, इधर आओ, सी, नहीं ठीक है, ये ऐसे दिखा। ओके गाइस, तो अभी आप डिफरेंस देख सकते हैं अमेरिकन डोबरमैन एंड यूरोपियन डोबरमैन। तो मेरे लेफ्ट में जो है इट्स अ यूरोपियन ब्यूटी मेल एंड दिस इज अमेरिकन ब्यूटी। ओके, जो मेजर डिफरेंसेस है मैं आपको बता दूं, एक तो इनकी जो बेल्ट आप देख रहे हैं दोनों का सेम कलर है, लेकिन इसके जो पैचेस हैं आप देख सकते हैं लाइट शेड में है, इसके पैरों पे, इसकी चेस्ट पे, इसके फेस पे जो पैचेस है ब्राउन वाला वो काफ़ी लाइट है, लेकिन कंपेरेटिवली यूरोपियन का जो पैच है वो काफ़ी डार्क है, आप देख सकते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। इसका जो फेस है थोड़ा अभी ब्रॉड होगा, अभी बहुत छोटा बच्चा है, ही इज़ जस्ट 9th month old नाउ, और ये जो है अप्रॉक्सीमेटली 2 ईयर्स की हो चुकी है। दोनों की बेल्ट में आप डिफरेंस देख सकते हैं, अभी इसका शरीर जो है गठीला बनेगा, भारी भरकम शरीर बनेगा। अभी ये बच्चा है, जब ग्रोथ पे होता है एक्सरसाइज ज़्यादा करता है, थोड़ा सा स्लिम रहता है डॉग, जैसा कि मेरी परी आपने देखी है डोबरमैन फीमेल। तो ये एक मेजर डिफरेंस हो गया गाइस। पैचेस ये देखिए, डार्क सर्कल इसके जो पैचेस हैं वो बिल्कुल लाइट शेड में हैं। इसके पैर आप देख सकते हैं, बिल्कुल दोनों के पैर में आपको दिखाऊँ एक बारी, सी फोकस करना है। इसके लाइट शेड देख रहे हैं अमेरिकन की आप, लेकिन यूरोपियन की जो शेड है वो बिल्कुल जो है डार्क शेड है, सी दिस इज द डिफरेंस। इसकी जो मस्कुलैरिटी है, बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें, इसकी जो बॉडी है, फेस थोड़ा सा बड़ा होता है, इसका थोड़ा सा पतला शरीर फेस होता है अमेरिकन का, और बेल्ट में ही थोड़े से बड़े होते हैं, मस्कुलर होते हैं, ये थोड़े से स्लिम रहते हैं। लेकिन दोनों की बिहेवियर की बात करते हैं कि दोनों के बिहेवियर में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं। तो अमेरिकन जो है, जैसे मैंने उनको बताया, अमेरिका में जो है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया यूरोपियन डोबरमैन को, क्यों किया गया, क्योंकि ये जो है वन मैन डॉग कहा जाता था, कि एक ही बंदा इसको संभाल सकता है, घर का कोई एक मेंबर जो टाइम ज़्यादा स्पेंड करता है, ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा मांगता था इसकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए। वहीं अमेरिकन को इस तरीके से डेवलप किया गया कि घर में छोटे बच्चों के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ, सबके साथ एक घुल मिल के रह सकता है, काफ़ी ओबीडियंस है, आप इजीली इसको ट्रेन कर सकते हैं। पर वहीं पे यूरोपियन को ट्रेन करना थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा नहीं। एक अगर आप एक डॉग एक्सपर्ट हैं, एक एक्सपीरियंस हैंडलर हैं, तो आपके लिए बहुत ईजी है यूरोपियन को संभालना, ख़ासतौर पर मेल को। अगर आप फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हैं या स्टार्टिंग में आपने छोटे डॉग पाले हैं, तो मैं कभी रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप यूरोपियन मेल पालें। और इंडिया में वैसे भी यूरोपियन जो है बहुत एक्सेप्शनल है, बहुत ही जानकार, लोगों को यूरोपियन के बारे में पता है। इंडिया में सबसे पहला मेरा ही वीडियो था जिसमें मैंने बताया कि यूरोपियन और अमेरिकन दो टाइप के डोबरमैन होते हैं, जिसमें कि मेरे बेटे ने एक वीडियो बनाया था, यश ने, और एक मैंने भी बनाया था आप सबके लिए।
और आप सभी ने बहुत उसको सराहा भी, बहुत पसंद भी किया। और इस वीडियो के माध्यम से इंडिया की जनता को, लोगों को ये पता चला, डॉग लवर्स को ये पता चला कि यूरोपियन, अमेरिकन और लैटिन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। तो गाइज ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस है जो आपको मैंने बताया। अभी बिहेवियर की बात करते हैं, ये बहुत फ्रेंडली है, फ्रेंडली इन द सेंस ये नहीं कि किसी के साथ भी फ्रेंडली होगी, घर में कोई आएगा ये भी छोड़ेगा नहीं। अमेरिकन हो चाहे यूरोपियन हो, दोनों ही काफ़ी अच्छे गार्डिंग डॉग्स हैं, लेकिन इट्स अ प्योरली वॉकिंग डॉग एंड इट्स अ गुड गार्डिंग डॉग। अब वॉकिंग डॉग और गार्डिंग डॉग की जब बात करते हैं तो उसमें डिफरेंस क्या है, घर में कोई भी आए गार्ड दोनों करेंगे, भौंकेंगे, उसके पास जाके अटैक करेंगे, लेकिन इसके हद तक कोई चढ़ गया तो फिर छोड़ने वाला नहीं है। ऐसा अमेरिकन भी बन सकता है, डिपेंड करता है आपने ट्रेनिंग कैसे उसको दी है, कैसे आपने उसको पाला है। यूजुअली ये लोगों को हार्म कम पहुंचाता है अमेरिकन, एक बार को सोचता है कि एक तो बाइट मार के मैं बंदे को घायल कर दूं, आ जाऊं छोड़ के। पर यूरोपियन के जो बॉडी है, इसका जो टेम्परामेंट है वो इतना ज़्यादा हाई है कि ये बिल्कुल बंदे को बुरी तरह से जो है चित्रे उड़ा देगा, जैसे कटर से किसी चीज़ को काट देते हैं ना गाइज। खुद मैंने ऐसे देखे हैं, मुझे 25 से 27 साल का एक्सपीरियंस हो गया डॉग पालने का, ज़्यादातर जो है यूरोपियन मैंने रखा है। तो ये आप ही समझ लो जैसे कैंची चला देते पेपर पे, पेपर कट जाता है, तो ये बार पकड़ के भगोड़ देगा तो समझ लो बंदे को फाड़ ही देगा, फिर बचना मुश्किल ही नामुमकिन है। तो ऐसे कुछ बिहेवियर होता है यूरोपियन का। तो गाइज ऐसा कुछ बेसिक डिफरेंस है थोड़ा सा, जैसा मैंने आपको बताया। बाकी दोनों बहुत अच्छे हैं, अमेरिकन बहुत अच्छा है, यूरोपियन भी बहुत अच्छा है। डिपेंड करता है, अगर आप डेली एक्सरसाइज करने वाले हैं, डेली आपको रनिंग का शौक है, एक्सरसाइज करके डॉग के साथ भागने का शौक है, तो यूरोपियन आप रख सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि घर में खाली नॉर्मल पालने के लिए डॉग रखना है, गार्डिंग के लिए डॉग रखना है, तो मैं आपको यूरोपियन कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगा, तो आप जो है अमेरिकन ही रखें। इसको जो है बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत है, वो क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी को चैनलाइज करना पॉजिटिवली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि सिर्फ एक्सरसाइज के माध्यम से और ट्रेनिंग के माध्यम से ही हो सकती है। तो यूरोपियन जो है काफ़ी डेली एक्सरसाइज मांगता है, प्रॉपर ट्रेनिंग मांगता है, और जो है इसको ओबीडियंस ट्रेनिंग देनी बहुत ज़रूरी है। हालांकि दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो किसी भी डॉग के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूरोपियन डॉबरमैन की अगर हम बात करते हैं इसके लिए थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि इसको हैंडल करने के लिए एक एक्सपर्ट का होना ज़रूरी है, और आपके घर में एक बंदा जो है थोड़ा सा वेल बिल्ट हो, इसकी बिल्ट इतनी स्ट्रांग हो कि ईजिली जो है यूरोपियन को वो हैंडल कर पाए। कोई हल्का फुल्का व्यक्ति या घर में बच्चा जो है यूरोपियन को ईजिली हैंडल नहीं कर पाएगा, या अमेरिकन को हैंडल नहीं कर पाएगा। अगर आप घर में डोबरमैन लाना चाहते हैं, चाहे वो यूरोपियन हो या अमेरिकन हो, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपके घर में सभी डॉग लवर्स हैं, हर कोई डॉग से प्यार करता है, उनकी केयर करना जानता है, उनके बिहेवियर को समझता है, तो आप डोबरमैन जैसी ब्रीड घर में लेकर आएँ। बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली होते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि बच्चों को मार देगा फाड़ देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अफवाहें हैं, मेरे वीडियोज़ में आप देखते हैं किस तरीके से मेरे डॉग जो हैं बच्चों के साथ खेलते हैं, और मेरे डॉग कितनी केयर करते हैं मेरे बच्चों की, क्योंकि हमने डॉग्स को डॉग की तरह नहीं, खुद अपने बच्चों की तरह उनको रखते हैं। तो वही है कि प्यार करोगे तो भाई बदले में डॉग भी प्यार देगा, और आपके लिए हमेशा जान देने को तैयार रहेगा। तो आई होप आपको आज का छोटा सा वीडियो पसंद आया, काफ़ी डिमांड थी अमेरिकन वर्सेस यूरोपियन का डिफरेंस बताने की। तो बाकी डॉग्स आपको आई होप पसंद आए, और ये दोनों शेर शेर ने भी आपको पसंद आए। तो अमेरिकन या यूरोपियन कोई भी हो, घर लेकर आएँ, डॉग कोई भी हो पालें, पर ढंग से केयर करें, ढंग से उसका वैक्सीनेशन कराएं, डीवॉर्मिंग कराएं, डेली एक्सरसाइज कराएं, ढंग से डाइट दें। कोई भी डॉग हो हमेशा आपकी केयर करेगा, और लाके पाल दोगे, खाना दे दे के छोड़ दोगे तो डॉग बेकार हो जाएगा, कभी अपने ओनर की मन से रिस्पेक्ट या केयर नहीं करेगा वो। तो थैंक यू सो मच गाइज, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें डॉग लवर्स के साथ, जो जानना चाहते हैं कि अमेरिकन यूरोपियन में डिफरेंस क्या है, डोबरमैन का टेम्परामेंट क्या होता है। सभी के साथ शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, इट विल गिव अस मोटिवेशन दैट यस यू वॉच्ड एंड लव द वीडियो, और कमेंट में अपनी राय दें कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो गाइज अभी आप देख रहे हैं यूरोपियन ब्यूटी ज़ेपर एंड ज़ीना, दोनों ही बहुत अमेजिंग है। इनकी जो ब्लड लाइन है ना, इनकी ब्लड लाइन बड़ी एक्सेप्शनल है। ज़ीना थोड़ी सी मूडी है, इसका बॉडी लैंग्वेज आप देख सकते हो, इसकी जो बॉडी बिल्ट है वो आप देख सकते हो, लग रहा है कि प्रेग्नेंट है पर प्रेग्नेंट है नहीं। इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर एज के हिसाब से थोड़ा सा एक्सपेंड हो गया है। मस्कुलैरिटी जो है यूरोपियन डॉग में 3 ईयर्स के बाद आती है, अराउंड 2.5 to 3 ईयर्स के आसपास जो है इनकी बॉडी एक्सपेंड होना शुरू होती है, मस्कुलैरिटी आना शुरू होती है, ये लोग वेट गेन करना शुरू होते हैं। तो मेरी जो डोबो मैंने, आप उसको जानते हैं, इतना ज़्यादा वो भागती है डेली, उसकी एक्सरसाइज आप देखते हैं, पहाड़ पर चढ़ जाती है, पेड़ पर चढ़ जाती है, अभी जाली पर आपको दिखाया कैसे चढ़ रही थी। तो फुल ऑफ एनर्जी ये डॉग्स होते हैं। तो ये ब्यूटी है गाइज, इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, इनका जो बॉडी लैंग्वेज है, इनकी जो ब्यूटी है फेस, आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग है।
तो जो भी डोबरमैन के शौकीन है घर पे डोबरमैन लेके आना चाहते हैं प्लीज़ लेके आइए यार. फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू गाइज नो आई एम अ पैशनेट डॉग लवर एंड डोबरमैन इज़ ऑलवेज माई फर्स्ट चॉइस. आप लोग हमेशा बोलते थे अपने बाकी डॉग्स को भी दिखाइए, तो अपने फार्म पे जो हैं भाई के पास ही एक डोबरमैन है, तो आज आपको दिखाने के लिए स्पेशली मैं आया हूँ कि आज सबसे मिलाता हूँ आपको, मैं दिखाता हूँ. तो ये है ब्यूटी गाइज, आप देख सकते हैं अमेजिंग. इनकी जो बेल्ट एंड के जो बाल हैं काफ़ी छोटे होते हैं यूरोपियन के. इनकी जो स्किन है काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी मस्कुलर है इनकी बॉडी, आप देख सकते हैं. काफ़ी अच्छे प्रोटेक्टिव गार्ड डॉग है. मेरे डॉग को आप देखते हैं कोई बच्चों के पास आए तो चीरने फाड़ने को तैयार हो जाते हैं. तो ये इनकी ब्यूटी है गाइस गार्डिंग के लिए. अगर सबसे बेस्ट डॉग कोई लगता है तो देयर इज़ डोबरमैन. बाकी डॉग्स बहुत हैं, रॉटवाइलर है और बाकी ब्रीड्स हैं जो कि अच्छे गार्डिंग डॉग्स हैं, बट डोबरमैन इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट डॉग, जो कि समझदार भी होता है और ट्रेनिंग के हिसाब से ख़तरनाक भी होता है. गार्डिंग तो उसकी बहुत अमेजिंग है गाइज. तो डोबरमैन का मेरे हिसाब से पर्सनल मेरी परसेप्शन है कि देयर इज़ माय फेवरेट एज यू ऑल गाइज नोज. तो आई होप आपको ये पसंद आया. अभी आपको बाकी डोबरमैन से भी मिलवाने वाला हूँ अपनी बाकी जो डोबरमैन हैं. तो अभी आपको एक और मैं दिखाने वाला हूँ अपनी ब्यूटी. लेके आना भैया. हाय स्वीटी, हाय ब्यूटी, ब्यूटी कम भैया. हे ब्यूटी जो है देखो डर रही है, ये जीना से एक्चुअली थोड़ी घबरा रही है. हे नो जैपर, नो जैपर कम या जैपर सिट, कम एंड सिट. तो जैपर जो है ना थोड़े भाव खा रहा है अभी. ये बिल्कुल ऐसा, हाय ब्यूटी पाए क्यूटी पाए, ओए भाग गया तेरी. चल इसको भागने दो, लेट हिम एंजॉय. नो जीना नो सिट. तो ये देख सकते हैं आप फीमेल, दोनों यूरोपियन फीमेल. इनकी जो ब्यूटी है गाइस अलग ही है. और ये जो है परी की सिस्टर भी है. आप देख सकते हैं परी की सिस्टर से कितनी मैच हो रही है. देखने में आपको लगेगा कि परी है ना, बिल्कुल परी लग रही है देखने में. हाय ब्यूटी क्यूटी पाई स्वीटी बेबी. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है परी की सिस्टर से मिलके. काफ़ी प्यारी है, बहुत अच्छी है, बिल्कुल अलर्ट है परी की तरह. पर परी को मैंने इतना ज़्यादा भगाया कि बहुत दुबली पतली हो गई है. परी को भी लेके आता हूँ अभी, देखना कैसी लग रही है वो. हाँ जी, हाय ब्यूटी, हाय ब्यूटी 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 तो बैठ ही गई. उसको देखो क्या उनकी चक्री बना दी उन्होंने, गोल गोल घुमा दिया पूरा. अभी आपको यूरोपियन एक और मैं ब्यूटी दिखाता हूँ. जेना सिट डाउन सिट. अच्छा तो ये एग्जांपल था इसके प्यार का, मेरे पास किसी को नहीं आने देते. सो यू आर वाचिंग योर ओन चैनल रॉयल सोल्जर ऑन YouTube गाइस. थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वाचिंग. जय हिंद, टेक केयर. तो दोस्तों अगले वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ घर पे आप जब भी कोई डॉग या पप लाएं तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन हैं और कौन कौन से नई टेक्नोलॉजी के वैक्सीनेशन अभी मार्केट में आए हैं. तो चैनल रॉयल सोल्जर को सब्सक्राइब कर ना भूलें बेहतरीन फ्यूचर में वीडियोज़ देखने के लिए.